इस डबल इंटीग्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेंगे इसके बारे में समझेंगे। आप देख सकते हैं इस डबल इंटीग्रल में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो गिवन नहीं है। सबसे पहले हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है ओवर द एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स इसको बनाते हैं, इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है कि ये अपवर्ड पैराबोला होता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और इसकी जो फोकस है वो भी y एक्सिस पे होती है। तो ये आपने बना लिया, आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अपवर्ड पैराबोला है, ये ओरिजिन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है जिसकी स्लोप 1 है। तो यहाँ पर ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है और इसकी स्लोप 1 है। अब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज कर लेते हैं कि ये a है, a इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला का फिगर ड्रा किया, फिर y इक्वल टू एक्स ये इक्वेशन होती है लाइन की जो कि ओरिजिन से पास होती है जिसकी स्लोप 1 है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से पाई बाई 4 एंगल फॉर्म करेगी और ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो अपवर्ड पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और फोकस वाई एक्सिस पे होता है। अब ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए पॉइंट पर है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो y के प्लेस पे यहाँ x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू x होगा, x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 होगा, इसमें से x को कॉमन लेंगे, x x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए y के प्लेस पे x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म किया तो x स्क्वायर माइनस x हो गया, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 हो गया, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 1। व्हेन x इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू यहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी गेट y इक्वल टू 0 हियर। x इक्वल टू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आएगी, दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0 एंड 1 1। आप देख सकते हैं यहां पर जो गिवन कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला है और y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 यानी ओरिजिन है और 1 कॉमा 1 है। तो o पॉइंट जो है दिस इज 0 0 एंड a पॉइंट इज 1 1। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 1 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट इज 0 0। अब हम इस ए पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। सपोज करें ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, और सपोज कर लिया बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और ये डिस्टेंस 1 है तो ये 1 कॉमा 0 हो जाएगा। अब इसका आप देख सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन में एरिया इवेल्युएट करना है बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। सो फर्स्ट वी टेक हियर ए वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पी क्यू स्ट्रिप ली गई है, इस होल एरिया को पी क्यू स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। होल एरिया इज डिवाइडेड इंटू वर्टिकल स्ट्रिप्स। Suppose this PQ strip, when PQ strip goes from O to A, ये x में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी
आप देख सकते हैं पी क्यू स्ट्रिप जब ओ पॉइंट से ए तक जाएगी तो एक्स में 0 टू 1 डिस्टेंस कवर करेगी। सो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका 0 टू 1, यानी एक्स की लिमिट 0 से एस की लिमिट 1 हो जाएगी। और आप देखें ये लोअर लिमिट जो होगी, लोअर एंड वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर एंड पी है वो आपका पैराबोला पर है, तो पैराबोला से वाई की लिमिट निकालेंगे तो लोअर लिमिट वाई की एक्स स्क्वायर होगी। अपर एंड क्यू ये आपका स्ट्रेट लाइन वाई स्क्वायर टू एक्स पे रहेगा, जब ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ये पी क्यू स्ट्रिप मूव करेगी तो अपर एंड क्यू जो होगा वो वाई स्क्वायर टू एक्स लाइन पे रहेगा, इसलिए अपर लिमिट वाई स्क्वायर टू एक्स हो जाएगी और ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पी क्यू वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, जब ये एरिया ओ ए क्यू ओ लिया जाएगा, ओ पी ए क्यू ओ एरिया को इवेल्युएट करना है ओवर दिस। सो यहाँ पर जो पी क्यू वर्टिकल स्ट्रिप है जब ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाएगी तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 0 टू 1, तो इसलिए एस की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। और जो पी क्यू स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो पैराबोला वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर पर रहेगा, तो इसलिए लोअर लिमिट वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर होगी। जब ये वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू ओ पॉइंट से ए तक मूव करेगी तो अपर एंड क्यू स्ट्रेट लाइन वाई स्क्वायर टू एक्स पे रहेगा, तो वाई स्क्वायर टू एक्स ये अपर लिमिट हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप 0 टू 1 एंड 0 एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब आप देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट हो गई। डबल इंटीग्रेशन की लिमिट जब आपने फाइंड कर ली तो आप इसको आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। आप देखें अंदर वाली लिमिट एस का फंक्शन है, जब ये लिमिट एस का फंक्शन होती है तो पहले हम वाई को रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं एस को कांस्टेंट अज्यूम करके, देन आप एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो अंदर वाली लिमिट है ये एस का फंक्शन है, तो पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए हम एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आप देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन में जो अंदर वाली लिमिट है वो एस का फंक्शन है, जब भी अंदर वाली लिमिट एस का फंक्शन होगी तो पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो एक्स स्क्वायर वाई हुआ, एक्स वाई को वाई में मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर हुआ। यहाँ पर अंदर वाली लिमिट एस का फंक्शन है इसलिए पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एस को कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हुए, देन आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जब एक्स स्क्वायर वाई को इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू होगा। जब आप एक्स वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री होगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब आप अपर लिमिट रखेंगे y के प्लेस पे तो यहाँ x स्क्वायर होगा x स्क्वायर अपॉन 2 तो ये x की पावर 4 बाई 2 होगा, प्लस y के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी ये x की पावर 4 बाई 3 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर तो यहाँ x की पावर 6 अपॉन 2 बनेगा, फिर x स्क्वायर को y क्यूब के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की पावर 7 बाई 3 बन जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा 2 और 3 का, ये 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 ये 5x की पावर 4 बाई 6 हो जाएगा, माइनस x की पावर 6 बाई 2 होगा, माइनस x की पावर 7 बाई 3 होगा। अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 बाई 5 होता है, उस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 5 बाई 6 आ जाएगा इंटीग्रेशन। एस की पावर 6 का इंटीग्रेशन एस की पावर 7 बाई 7 होगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा। एस की पावर 7 का इंटीग्रेशन
एस की पावर 8/8 होगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा और यहाँ लिमिट अप्लाई होगी 0 to 1। पहले आप एस के प्लेस पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी एस के प्लेस पे आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24 और जब आप एस के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा 6, 14 एंड 24 का एलसीएम, 2, 3 जा 6, 2, 7 जा 14, 2, 10, 24, 2, 6 जा 10, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3 एंड 7। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24 इंटू 7, सो एलसीएम इज 24 इंटू 7। तो आप 24 इंटू 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 जा 24, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये 28 होगा। 14 को से डिवाइड करेंगे तो 7, 2 जा 14, ये 12 आ जाएगा आपका और फिर माइनस 24 डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 28 माइनस 12 और माइनस 7 को ऐड करेंगे तो ये 19 होगा अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब ये आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 3 से कैंसिल होगा, 3, 3 जा 9 एंड 3, 8 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 दिस इज 56। सो आंसर इज 3/56। थैंक यू।